हाय फ्रेंड्स, मेरे पास आपके लिए एक दो गुड न्यूज है। फर्स्ट शेयर करते हैं माय फ्रेंड, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटियों में से एक है बरेली। तो बरेली में हमारा फर्स्ट फ्रेंचाइज ओपन हो चुका है। नीचे दी हुई लोकेशन चेक ऑन कीजिए आप, एंड नीचे दिए हुए नंबर पर आप बात कॉल कर सकते हो। और वेबसाइट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम घर बैठे डिलीवर करते हैं आप तक हर एक डॉग का सामान, जो कि जीरो डे से जब पप्पी हम लेते हैं या पप्पी बॉर्न होता है तब से लेकर जब तक वो हमारे साथ रहता है, भगवान करे 12-15 साल डॉग की उम्र, इससे भी ज्यादा हो, तो हर एक चीज है वहां पर। लीशेस, कॉलर्स, पटे, बोन, टॉयज, फीड, सप्लीमेंट, डॉग के कपड़े, हर सीजन के शूज, एवरीथिंग। आप हमारी वेबसाइट नीचे दी हुई है माय फ्रेंड, इस पर चेकआउट कीजिए। बरेली नियर बाई हो तो विद इन वन डे डिलीवरी होगी आपके वहां पर। तो नीचे दिए हुए वेबसाइट जरूर 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 ओपन कीजिए, आपके पास बहुत बढ़िया मौका है हमारा फ्रेंचाइज लेने का। क्योंकि एक और गुड न्यूज जो मेरे पास ये है कि ऐसे ही फ्रेंचाइज स्टोर हम लगभग इंडिया के 8 मेजर सिटी में खोलने वाले हैं विद इन 1 month। तो ऑलमोस्ट रेडी है आपके लिए सरप्राइज माय फ्रेंड। लेकिन अगर आप भी हमारी फ्रेंचाइज लेना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए माय फ्रेंड, आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अगर मेल भी हो, फीमेल भी हो, भगवान ना करे कोई हैंडीकैप भी है, वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है, वो भी हमारा फैमिली फ्रेंचाइज पार्टनर बन सकता है। बस आपको नीचे दिए हुए नंबर पर बात करनी होगी, आपको पूरी बात समझा दी जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे, हमने अभी 4 अपने डॉग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉडी गेनर और स्टेमिना के लिए वो प्रोडक्ट, ये भी आपको हमारे फ्रेंचाइज में मिलेंगे, हमारी वेबसाइट में मिलेंगे। तो ऑल ओवर इंडिया जहां भी आप बैठे हो आप, हम आप तक आ रहे हैं माय फ्रेंड। हेलो 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 फ्रेंड, आज हमारे साथ है अमेरिकन बुली ब्लू कलर, और आज इसका बॉडी वेट है अराउंड 3.5 किलो। तो ये है इनके ऑनर। सर बताइए आपका नाम। मेरा नाम राघव। राघव कहाँ से सर? राघव मैं जलंधर से हूँ। तो ये ब्रीड लेने का प्लान कैसे आया? ये एक्चुअली ना मैंने काफी सर्च किया तो मेरे को पता लगा ये काफी फैमिली फ्रेंडली होते हैं और गार्ड डॉग्स भी होते हैं और आजकल काफी ट्रेंड में है। ट्रेंड में भी हैं और ऊपर से मतलब इनकी लुक भी काफी अच्छी होती है। और फिर मैंने आपसे मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। आप जिम जाते हो? मैं जिम जाता हूँ। और नहीं जाने, नहीं गए तो ये आपको जिम करवाने लगा देंगे। ये मस्कुलर होते हैं और अगर उनका ऑनर भी एक अच्छा मचो टाइप हो तो ये अच्छा दिखता है। अभी लगभग राघव सर को 1 हफ्ता हो गया राइट लेकर गया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत एक्टिव है ये। ओके। पूरे दिन में मतलब ये थोड़ा सोएगा और उसके बाद ये घुमाएगा और फ्रेंडली है अभी से। ओके। और इनकी मम्मी बहुत डरती है? बहुत डरते हैं, वो तो सोफे पे चढ़ जाते हैं। सोफे पर चढ़ जाते हैं। ओके। और मैंने इनके मदर को प्रॉमिस किया था कि आप वेट कीजिए, अभी तो ये बच्चा है, अभी ये जो कुछ कर रहा है इस बेचारे को खुद ही नहीं मालूम कि ये जो हमें प्यार करता है अपने माउस से पकड़ने की कोशिश करता है, इसका दांत हमें लग सकता है या हमें हर्ट हो सकता है, इस बेचारे को अभी कुछ नहीं मालूम। तो मैंने कहा था मैडम को कि मुझे 3 month का समय दीजिए, जैसे कि 90 days का होता है। तो शायद फिर राघव ब्रदर लेट हो सकते हैं खाना देने से, तो मम्मी जरूर कहेगी कि इसको खाना दो। फर्स्ट ऑफ क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम हमने बुली सोचा है, मतलब अमेरिकन बुली है तो बुली। चलो जी, अमेरिकन बुली, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी तो बुली ही नाम रख दिया इसका। पकड़िए राघव सर। और बताइए कैसा एक्सपीरियंस ये इनके फ्रेंड्स सर, आप बताइए अपने बारे में। मेरा नाम बंटी है भैया। हाँ जी, आप इनके साथ? हाँ जी, मैं इन्हें दिन आड़ी। ठीक है ब्रदर आपका। और बंटी ही इसको मेडिसिन की दवाई पिलाता है, डिवॉर्मिंग जो मैंने कहा था। तो जब भी ये बंटी ब्रदर को देखता है जो छुप जाता है, ये थोड़ा सा पता लग जाता है दवाई देनी। यस, क्योंकि छोटे बच्चे की डिवॉर्मिंग हर 10 दिन के बाद की जाती है, कभी कभी तो अगर जरूरत पड़े तो 15 दिन का शेड्यूल डेल किया जाता है। तो लास्ट टाइम इसकी आज से 10 दिन पहले डिवॉर्मिंग की थी तो 2 kg के आसपास बॉडी वेट था, आज है तो 3.5 किलो है। तो अगर 10 दिन में डॉग, खासकर बुली ब्रीड, अगर 10 किलो में 1.5 किलो बॉडी वेट गेन कर रही है तो गुड। तो आज इसका बॉडी वेट, आज इसका डेज है कुछ 42 एज और बॉडी वेट है 3.5, तो इट्स रियली रियली गुड। तो मैंने आज इसको दवाई पिलाई है 3.5 ml से थोड़ी सी ज़्यादा, ये मेरे पास से खाली वायरल है, यहाँ पर मार्किंग दिया हुआ है 2.5,
तो मैंने इसको कुछ 3.7 पिलाया, क्योंकि कभी हम छोटे बच्चे को दवाई पिलाते हैं तो वो थोड़ा सा निकाल देते हैं। अभी आप राघव सर आप बताइए कि आपने क्या कहा था कि ये क्योंकि इनके मन में क्वेश्चन था कि ये अभी बाइट करता है खासकर बंटी सर को, दवाई पिलाइए, बनता है बाइट करना उसका वैसे तो, चलो वो तो ये कहीं आगे जाकर डेंजर तो नहीं हो जाएगा राइट? क्या बोला था आपने? यही कहा था कि ये बहुत काट, अभी बाइटिंग बहुत करता है ये। ओके, और मेरा जवाब था कि जब डॉग डॉक्टर हमने अपने ये फैमिली पार्टनर फैमिली फ्रेंड कह लो ये लिया है राइट, तो हमारा एक बेसिक जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या बनती है? एक है इसको साफ सुथरा रखना सही जगह, फिर साफ सुथरी जगह रखना प्रॉपर सही तरीके के साथ, सही खाना देना पूरा पेट भर प्रॉपर, देन उसके बाद फिर अगर हम कुछ ज़्यादा करते हैं जैसे अभी राघव सर क्या कर रहे हैं कि इसने कुछ गलती की आपने डांटा और आप इसको मनाने कब जाते हो? साथ में तो इससे फिर डॉक्टर डॉग हमारा कभी हमारी बात मानेगा नहीं, हमसे डरेगा नहीं। जब भी डॉग, पहले तो ये छोटा है अभी इसको बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं, अगर मैं इसको अनकॉन्शियस भी कहूँ तो भी कुछ हद तक वर्ड वो जायज़ है, तो उसके बाद जब डॉग मोस्टली करता है अगर आप एक बार डांटो तो डॉग को कम से कम 1-2-3 घंटे के लिए टोटली इग्नोर करो, घर में रहने होते हुए भी ऐसे है कि वो नहीं है बिल्कुल, इस तरह बिहेव करो तो और बेटर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ये डॉग अगर सब चीज़ों से ज़्यादा किससे डरते हैं, इनको कभी इनका जो मालिक है या फ्रेंड है जब प्यार ना करे अटेंशन ना दे तब इनके लिए वो समय बहुत कठिन होता है, तो हमें वो बिना हर्ट किए बिना कोई चीज़ इसको मारे एक वो तरीका ट्राई करना है, वो बेटर होता है बुली के लिए। तो अगर वैसे नॉर्मल ट्रेनिंग बुली की या कोई भी ब्रीड की 2 महीनों में शुरू हो जाती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो मैंने घराघो सर को प्रॉमिस किया है कि अगर 90 दिन तक जितनी मैं इनके साथ कॉपरेट कर रहा हूँ कि जितनी बातें आप खुद सिखा पाओ सिखाइए, लेकिन अगर कोई चीज़ें रह गई तो हमारा ट्रेनर आपको हेल्प करता है। वो आज ट्रेनर साहब हैं हमारे वो, लेकिन आज कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, आप इस आदमी जो ऑपरेटर कैमरा ऑपरेटर इससे बचिए, इसके पास जाना नहीं है हमने। ठीक है जी, ठीक। और कुछ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बाकी सब ठीक है, बात मानता है आपकी? बहुत ज़्यादा ये मतलब स्मार्ट है, एक मैं बात कहूँगा अगर मैं इससे कोई चीज़ लूँगा ना पहले तो ये दूसरी तरफ देखेगा, फिर एकदम से ही आएगा कि मतलब हमें पता ना चले कि हम वो चीज़ इसको चाहिए। और फ्रेंड सर्कल में क्या रिएक्ट रहा जब इनके देखा आपके फ्रेंड में फैमिली में? काफी उन्होंने कहा कि टॉय टाइप ही लगता है, मतलब बहुत अच्छा है ये अच्छा साइज है, बढ़िया डॉग है। और फ्रेंड अगर आप आफ्टर दिस एग्जाम राइट अगर आपकी चॉइस है कुछ गार्ड डॉग की तो ये भी एक वन ऑफ द फेवरेट ब्रीड है, तो आप जरूर लाइए। दिखने में पिटबुल जैसे होते हैं लेकिन आदतों में पिटबुल टारियर जैसे बिल्कुल नहीं होते, ये बहुत ही शांत डॉग होते हैं, लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो तो ये आपको बना देंगे। ये अभी से मेरे को भगाता है, जब बाहर निकलता है तो ये बस मेरे पीछे पीछे गोल 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 करता है। मैं तो बस वो मोमेंट से डरता हूँ जब आपकी मदर भी इससे डरना कम कर दे या बंद कर दे, जैसे हो गया थोड़ा सा उनको सब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब भी आप अमेरिकन बुली लो तो बी श्योर प्योर लो, अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, अच्छी कैटेगरी में आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, उसको सही तरीके के साथ रखना, मेरे पूरे वीडियोस हैं। आप इसको कम से कम 3 महीने तक स्टार्टर फीड ही दीजिए, इसका बॉडी वेट 10+ जाना चाहिए, 10 kg के आसपास जाएगा, अगर थोड़ा वेट इससे ज़्यादा भी जाता है तो फिर वो हम रेगुलर वॉकिंग थोड़ी थोड़ी रनिंग के साथ वो अच्छी बॉडी शेप इसकी जो मेंटेन होती है ना फिर वो बन जाएगी, वो मसल बिल्डअप हो जाएगी। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड, एंड थैंक यू वेरी मच राघव सर एंड बंटी सर। और आइए बंटी सर आप दवाई ना इसको प्यार से पिला दो यार, फिर आपसे डरेगा नहीं, इतने ही पिलाना फट गए, लेकिन फिर भी आपको देखो देखकर भाग जाता है, डर जाता है। चलो कोई ना आगे समझ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय। ओके फ्रेंड, सर्दियों में कपड़े इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और पीछे लिखा क्या है? आई लव मॉम राइट, तो उसकी आपकी मदर इससे बहुत डरती है ना, तो शायद ये देखने के बाद वो फ्रेंड बनने स्टार्ट हो जाए। ओके थैंक्स फॉर द कमिंग माय फ्रेंड। ये कुछ इसके बेसिक थिंग्स, थैंक यू, टेक केयर ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू।
friends, they are going. American Bully rakhiye. It's a very very good dog. Guard dog bahut acha hai aur aajkal kafi trend mein hai. Thanks for watching. Bye.